सीपियां देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तुमने भी कहीं ना कहीं सीपियों से बने हुए सजावट के सामान जरूर देखे होंगे। सीपियां वास्तव में एक प्रकार के समुद्री जीव का खोल है, जो कि उसके मरने के पश्चात लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे पर इकट्ठा हो जाती है। कई जगहों पर सीपों में मौजूद इस कीड़े के लिए इनको समुद्र से पकड़ा जाता है और फिर उस कीड़े को निकालकर खोल को फेंक दिया जाता है। ऐसी ही एक जगह फड्यूत आइलैंड है, जो कि पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल कोस्ट के पास है। इसे लोग प्यार से शेल आइलैंड भी कहते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि शेल आइलैंड ऑफिशियली एक दूसरे आइलैंड का नाम है, जहां पर शेल की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इस आइलैंड पर अनगिनत सीपियां इकट्ठी हो चुकी है। अब हालात ये हो गए हैं कि जहाँ पर भी नजर दौड़ाई जाए वहाँ पर सीपियां ही नजर आती है। यहाँ के रास्ते सीपियों से बने हैं, मकानों की दीवारों पर सीपियां लगी है और यहाँ तक कि कब्र भी सीपियों से ही बनी हुई है। फड्यूत आइलैंड तट के काफी पास है और तट वाले हिस्से जिसे कि जोल कहते हैं उससे इसे लकड़ी के ब्रिज द्वारा जोड़ा गया है। फड्यूत के निवासी मोल्यूक्स का व्यापार करते हैं। सीपियों से मीट बाहर निकालकर खाली सीपियों को फेंक दिया जाता है। यहाँ पर इतनी सारी सीपियों को जमा होने में सैकड़ों साल लगे हैं। इस आइलैंड पर मुस्लिम और ईसाई समुदाय रहते हैं। इनके कब्रिस्तान भी सीपियों से भरे पड़े हैं। अगर तुम्हें जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और दुनिया भर की ऐसी ही अनोखी जानकारियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।